हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, CBSE कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 का कैंसिल होना पक्का है, ऐसा बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। बहुत से बच्चे ये भी कमेंट करके पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर अभी फॉर्म हम भरें या ना भरें। सुप्रीम कोर्ट में 809 बच्चों की तरफ से दाखिल याचिका पे होने वाली सुनवाई में क्या हो सकता है, ये सब कुछ आपको इस एक वीडियो में जानने को मिलेगा। बच्चों, आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट में 809 बच्चों ने एक पिल दाखिल की है और उस पर सुनवाई होनी बाकी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इसके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम पर कोई ना कोई महत्वपूर्ण फैसला दे सकता है। बहुत सारे लोगों ने एडवांस में प्रेडिक्शन कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को कैंसिल कर देगा। अब बच्चों, क्या होगा इसके बारे में पहले से कोई प्रेडिक्शन करना सही नहीं है, तो इसके बारे में आपको इंतज़ार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल अपडेट का। जब सुनवाई होगी, जो कुछ भी हुआ होगा, विभिन्न समाचार पत्रों और टेलीविज़न के माध्यम से आपको इसकी सूचना मिल ही जाएगी, तो इसके बारे में हम पहले से कुछ कह करके आपको और परेशान नहीं करना चाहते कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं कैंसिल होगा। और वास्तविकता बच्चों यही है कि इंडिया में कोई नहीं जानता कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। ये वही कोर्ट के वकील और सुप्रीम कोर्ट के जज बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। डाउट नेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाएं उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस लेवल तक। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। अब एग्ज़ाम कैंसिल करना होता तो CBSE कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की नोटिस तो निकालती नहीं, तो CBSE की तो पूरी तैयारी है एग्ज़ाम करवाने की। कैसे करवाएगी उसके बारे में CBSE ने अभी कुछ नहीं कहा है और वो बाद में बताएगी। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म अभी भरें या ना भरें, अगर हमने फॉर्म भर दिया बाद में कैंसिल हो गया तो पैसा तो हमारा चला जाएगा। बहुत से बच्चे ये भी कह रहे हैं कि CBSE ने ये फॉर्म इसलिए निकाला है ताकि वो पैसा कमा ले, और जैसे ही CBSE को पैसा मिलेगा, पैसा मिलने के बाद वो एग्ज़ाम को कैंसिल कर देगी और पैसा उसका बच जाएगा, एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारी प्रेडिक्शंस मनगढ़ंत हैं आपकी। अगर CBSE को ऐसा करना है या आपको ऐसा लगता है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, फॉर्म भरिए ना भरिए। मेरा सुझाव ये है कि 300 रुपये का फॉर्म है और आप फॉर्म को बच्चों भर दो। मान लो कि अगर CBSE का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और आप पास हो गए, जनरल प्रमोशन हो गया, तो ये 300 रुपया मान लो कि आपका गिर गया, या इसी 300 के बदले में आप पास हो गए। अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो ये आपका 300 रुपया काम करेगा, लेकिन अगर आपने फॉर्म नहीं भरा और बाद में एग्ज़ाम भी हो गया तो आप एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाओगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये 300 रुपया नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप उसका हिस्सा बने रहें। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप उसका हिस्सा बने रहेंगे, फॉर्म नहीं भरा है, एग्ज़ाम हो गया तो आपको पछताना पड़ सकता है। अगर फॉर्म भरा है, कैंसिल भी हो गया, तो 300 रुपया क्या मायने रखता है, स्कूल वाले तो उससे ज़्यादा ठग लेते हैं आपसे। तो बच्चों, हर हाल में फॉर्म आप भर दीजिए, ये मेरा सुझाव है। सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेगा इसके बारे में पहले से कुछ भी गेस करना बेकार है, कुछ भी। बस ये जान लीजिए कि 50-50% के चांसेस हैं। अगर आप चांस पूछ रहे हो कि कैंसिल कितना होगा या नहीं होगा, तो 50-50% के चांसेस हैं, और जैसे ही सुनवाई का कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे शेयर करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।